ये अधिवक्ता देता है देता नहीं आप बताइए, किसान आंदोलन कर रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन कर रहा है, और व्यापारी भाई जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर मौजूद है, आप बताइए जो लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, आज संविधान खतरे में है। अगर संविधान कहीं रक्षा होती है, अगर हम लोगों के अस्मिता पर कभी सवाल आया है, अगर फांसी मुकदमे में हम लोगों को कभी भी उत्तर प्रदेश काम किया तो आदरणीय प्रभा भाई यादव शुक्ला जी हम लोगों का मित्र है, इन्होंने सबसे पहले आकर के हम लोगों के संविधान की रक्षा करने का हाईकोर्ट का एक एक अधिवक्ता हमेशा साथ आया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम 2021 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए एक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में स्थापित की है, जिसका कि हम लोगों ने विरोध किया था, और विरोध का मुख्य आधार है कि यह संवैधानिक व्यवस्था जो भारत के संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय के प्रधान पीठ का क्षेत्राधिकार है जो प्रयागराज में है उसके क्षेत्राधिकार को आघात करता है, जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनके हक को पूरा नहीं करता, उनके विपरीत, और यह न्याय की व्यवस्था के विपरीत है। प्रयागराज मंडल यहाँ से जुड़े बुंदेलखंड पूर्वांचल के लोगों के रोजगार के विपरीत है, व्यापार के विपरीत है, और इसका कोई राजनीतिक न सामाजिक न न्यायिक उपयोग है न लाभ है। उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह है कि इस अधिनियम के माध्यम से शिक्षकों को जो धकेला गया है लंबी और लंबी न्यायिक लड़ाई में, और उसके खिलाफ फिर वो हाईकोर्ट न जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो टूट जाएंगे, उनका लाभ नहीं होगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं।